नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल। स्वागत है आप सभी का क्राइम न्यूज में। आज क्राइम न्यूज में बात सबसे पहले देश के मेडिकल सिस्टम की। 50 रुपए किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? रांची का एक परिवार जहां एक साल के बच्चे की जान इसलिए चली गई क्योंकि उसके परिवार के पास 50 रुपए नहीं थे। देश के पूरे सिस्टम की पोल खोल रही ये घटना रांची की है। पैसे कमाने में मदहोश ये मेडिकल सिस्टम किसी गरीबी की बेबसी को भी नहीं समझा, और नहीं समझा उस बिलखती हुई मां का दर्द जो अपने बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल बदहाल हैं। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम चौंकाता है। क्या है सरकारी इलाज का आंकड़ा? रांची में एक्सरे नहीं होने से एक साल के बच्चे की मौत हो गई। भारत के बदहाल मेडिकल सिस्टम की पोल खोलने के लिए ये काफी है। एक मां डॉक्टरों के दर दर पर भटकती रही, लेकिन उसके बेटे को इलाज नहीं मिला। गरीबी और बेबसी ने इस तरीके से कमर तोड़ दी कि अब उठा ही नहीं जाता। वहीं गरीबी का माहौल उड़ाते हैं ये सरकारी अस्पताल के नुमाइंदे। महज एक साल के चिराग के ऊपर दीवार गिर गई थी, तभी से ये मां अपने बेटे के इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन इसके बेटे को इलाज नहीं मिला। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक्सरे का पर्चा हाथ में थमा दिया। मां चिराग का एक्सरे कराने के लिए निजी अस्पताल में पहुंची, लेकिन एक्सरे की कीमत थी 1300 रुपए और चिराग की मां के पास थे 1250 रुपए। 50 रुपए कम होने की वजह से चिराग का एक्सरे नहीं हो पाया और चिराग ने अपनी ही मां की गोद में दम तोड़ दिया। आपको बताते हैं क्या है सरकारी इलाज का आंकड़ा। गोरखपुर में हुए बच्चों के नरसंहार के बाद भी ये सरकार सबक नहीं ले रही है। साल दर साल भारत में बचपन खतरे में आ रहा है। तस्वीर खौफनाक है और आंकड़े डराने वाले हैं। भारत में 7,30,000 बच्चे जन्म लेने के बाद एक महीने में ही मर जाते हैं, यानी कि इस इलाज की व्यवस्था ने बच्चों के बचपन को ही खतरे में डाल दिया है। क्या है सरकारी अस्पतालों के हालात? 1700 मरीज पर है एक डॉक्टर। 61,011 लोगों पर है एक अस्पताल। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। भारत में बचपन है खतरे में। दरअसल सच तो ये है कि हेल्थ केयर कभी किसी सरकार की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। भारत में 27% मौतें सही इलाज नहीं मिल पाने के कारण होती हैं। तो सवाल उठता है कि कहाँ है सिस्टम और कौन चिराग और गोरखपुर में हुई बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। न जाने कितनी माओं के चिराग रोज ही गरीबी, बीमारी और भुखमरी का शिकार होते हैं और अपने बचपन में ही दम तोड़ देते हैं। इन बढ़ते मौत के आंकड़ों से ये जरूर पता चलता है कि देश में सरकारी हेल्थ सिस्टम खुद ही ICU में भर्ती है, जिसे जरूरत है बेहतर इलाज की। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।